वैसे ये रहा दोस्तों मेरे पास ओप्पो रेनो 6 5G स्मार्टफोन। वैसे ये रहा 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा। आपको इसी स्मार्टफोन के कुछ कैमरा के फीचर्स आपको बताऊंगा। तो ये स्मार्टफोन काफी कूल सा है दोस्तों, आप देख सकते हैं डिजाइन यहाँ पर एप्पल की तरह बहुत ही अच्छा सा दिखता है। तो फिलहाल यहाँ पर आपको कुछ कैमरा के सेटिंग्स आपको बताऊंगा, कैमरा के फीचर्स बताऊंगा, आप देखना इस वीडियो को एंड तक। आप इस वीडियो को एंड तक देखकर अपने कैमरा की सेटिंग्स बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं, करके ना बहुत ही अच्छे तरीके से आप फोटोज और वीडियोज क्लिक कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन आपको सेटिंग्स बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर वीडियो की तरफ चलते हैं। कैमरा ऐप को ओपन करके सबसे पहले यहाँ पर आना है नेट मोड। यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलता है नेट मोड, यहाँ पर एक कंकर यहाँ पर ले लेता हूँ ताकि हमको यहाँ पर दिखना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर नेट मोड मिल रहा है। नेट मोड में आप कम से कम कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 10x जूम करके आप नेट मोड में फोटोज क्लिक कर सकते हैं। और उसके अलावा ये रहा वाइड एंगल है, ये वाइड एंगल में भी फोटो, ये 1x होता है इस तरह से। आपको वाइड एंगल में फोटो क्लिक करना है नेट मोड में, तो यहाँ पर एक डॉट दिखता होगा, आपको इस डॉट पर क्लिक करेंगे तो ये वाइड एंगल हो जाता है। वाइड एंगल क्या होता है, आप मान लो कि आप ये दूर होता है ना जो सामने खड़ा है, यहाँ पर जो भी है दो लोग खड़े हैं, वो पीछे हटने के लिए जगह नहीं, फोटो क्लिक करें तो एक ही लोग दिख रहे हैं, एक ही दिख रहा है बंदा फोटो में, तो यहाँ पर वाइड एंगल करेंगे दो नहीं चार लोग भी दिखेंगे, मतलब यहाँ पर दूर हो जाता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों जो कैमरा का आइकॉन आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये नाइट ट्राइपोड मोड है, मतलब आपको ट्राइपोड लगाना है, ट्राइपोड लगाकर भी आप यहाँ पर नाइट मोड में फोटो इस तरह से क्लिक कर सकते हैं। मतलब ये स्टेडी मोड होता है, ये स्टेडी मोड मतलब ये हिलेगा नहीं फोटो, आप जो क्लिक कर रहे हैं वगैरह वो हिलेगा नहीं, आप शेक करेंगे तो हिलेगा नहीं फोटो में, वो शेक नहीं आएगा। तो उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर जो दिख रहा होगा 4.3 आपको जो दिख रहा है, ये क्या होता है, जो फोटो आप क्लिक कर रहे हैं वो फोटो का साइज कैसे आना चाहिए, फुल आना चाहिए, तो फुल कर सकते हैं, इस साइज में फुल में आएगा फोटो, आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा जैसा आपको चाहिए दोस्तों। यहाँ पर साइज आप यहाँ पर सेलेक्ट करके रख सकते हैं, उसी साइज में यहाँ पर फोटो को क्लिक हो जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर एक जो आपको घड़ी का एक आइकॉन दिखता होगा, ये है टाइमर, 3S है और 10S है। ये क्या होता है, यहाँ पर 3S करेंगे तो यहाँ पर फोटो क्लिक करने के बाद इस तरह से 3 सेकंड का टाइम आएगा, 3 सेकंड के बाद में फोटो क्लिक हो जाता है। यहाँ पर आप कर सकते हैं इसको 10 सेकंड भी कर सकते हैं, ये कब काम आएगा आपको बताया। तो अब मान लो कि 10 लोग हैं ग्रुप के साथ, फोटो क्लिक करें पूरे 10 लोग का, तो 9 लोग ही आएंगे फोटो में, क्योंकि एक बंदे के हाथ में तो फोन होगा ना, तो क्या करेगा, यहाँ पर 10 सेकंड का टाइम लगेगा, इस पर क्लिक करके फोन को ट्राइपॉड या कहीं भी और रख कर वो खड़ा हो सकता है बाद में ग्रुप में। उसके बाद 10 सेकंड के बाद में इस तरह से ऑटोमेटिक फोटो क्लिक हो जाता है। इस तरह से आप यहाँ पर ग्रुप के साथ फोटोज क्लिक कर सकते हैं टाइमर की मदद से। यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं दोस्तों यहाँ पर वीडियो मोड में। वीडियो मोड में आएंगे तो कुछ ज्यादा फीचर्स आप यहाँ पर मिल रहे हैं, ये ब्लैक सा दिख रहा है ना अभी, क्योंकि यहाँ पर मैं इसको ओरिजिनल कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर सेटिंग चेंज किया था इसकी, आप देख रहे हैं ये इस तरह से होता है आपका। तो अब यहाँ पर सबसे पहली चीज तो ये रहा डॉट दिखता होगा, आपको यहाँ पर वाइड एंगल कर सकते हैं, वाइड एंगल में भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, अल्ट्रा वाइड वाइड लेंस है। उसके बाद आप कम से कम कर सकते हैं इसमें जूम करना है तो आपको 10x जूम करके आप यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इसी स्मार्टफोन में। उसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर एक आइकॉन दिखता होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो अपने ब्यूटी आप फे, अपने फेस को ब्यूटी कर सकते हैं। यहाँ पर पिंपल्स वगैरह अपने फेस पर बहुत है, आप ब्यूटी करना चाहते हैं, खूबसूरत दिखना चाहिए फोटो मतलब वीडियो में आप दिखना चाहते हैं खूबसूरत, तो यहाँ पर इसको ज्यादा कर सकते हैं, कितना खूबसूरत दिखना चाहिए अपना वीडियो में अपना फेस, तो उतना ज्यादा इसको कर लेना। आप यहाँ पर 0 से लेकर 100 तक कैपेसिटी को कम ज्यादा भी कर सकते हैं, यहाँ पर मतलब खूबसूरत की कैपेसिटी कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर आता है, और यहाँ पर ये जो फ्लैश लाइट का आइकन दिखता होगा आपको, यहाँ पर एक ऑफ होता है, यहाँ पर फिर लाइट करेंगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग करने से पहले ही ये फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है, इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पर जो कैमरा का एक आपको आइकन दिख रहा है, ये अल्ट्रा स्टेडी होता है, ये अल्ट्रा स्टेडी मतलब आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इस तरह से शेक करते हैं अपने मोबाइल को आप, तो क्या होता है आप जितना शेक कर रहे हैं उतना ये नहीं दिखाएगा, आप ज्यादा शेक करेंगे स्मार्टफोन को तो कम दिखाई देगा शेक, वो इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आता है AI वीडियो रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं, और चलिए इसको भी आप कर लेना बेहतरीन वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। और यहाँ पर आपको दिखता होगा एक बोके मोड, ये होता है मतलब जो बैकग्राउंड ब्लर करके आप वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर बैकग्राउंड ब्लर करके भी वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ से आप कर सकते हैं, और बैकग्राउंड की कैपेसिटी को यहाँ से आप कम ज्यादा कर सकते हैं, बहुत ही ब्लर होना चाहिए बैकग्राउंड वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त, यहाँ पर बहुत ही कर लेना, इसको 100 तक कर सकते हैं, कम होना चाहिए तो कम कर सकते हैं, यहाँ पर 0 से 100 तक बोके की कैपेसिटी को आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 3 बबल्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये होता है फिल्टर, ये बहुत ही बेहतरीन आप यहाँ पर फिल्टर्स मिल जाते हैं। और चलिए यहाँ पर जो फिल्टर आपको जो अच्छा लगे वो सेलेक्ट कर लेना। और कमाल की बात क्या है इसमें आपको बताया तुम, AI कलर पोर्ट्रेट मतलब ये इस तरह से हो जाएगा, आप देख सकते हैं गाइज यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं
तो इस तरह से एआई कलर पोर्ट्रेट हो जाता है। मतलब आप खड़े हैं सामने तो आप जैसे हैं वैसे ही दिखाई देगा। बैकग्राउंड है ना, ये कलर ब्लैक हो जाता है, बैकग्राउंड का कलर ये भी ब्लैक दिख रहा है ना, ये ब्लैक दिखेगा। आप यहाँ पर सामने आपका फेस है तो ब्लैक नहीं दिखेगा आपका फेस, इस तरह से बता देता है। वो वीडियो देखने के लिए, कैमरा सैंपल्स और वीडियो सैंपल्स देखने के लिए, इसी स्मार्टफोन के कैमरा रिव्यू देखने के लिए लिंक आपको मिलती है उस वीडियो के नीचे। इस वीडियो के आप क्लिक करके वो वीडियो को भी देख सकते हैं। यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर फिल्टर आपको जैसा अच्छा लगे वो कर सकते हैं, यहाँ पर वो तो आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पर आते हैं दूसरे, यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर फोटो मोड में, ये रहा फोटो मोड। फोटो मोड में भी आप सबसे पहली चीज़ तो वाइड एंगल में फोटोज क्लिक कर सकते हैं, ये नॉर्मल फोटोज है। यहाँ पर नॉर्मल फोटोज में आप वाइड एंगल कर सकते हैं, और उसके अलावा पर जूम करना चाहे तो फोटो मोड में आप यहाँ पर 20x जूम कर सकते हैं। 20x जूम करके यहाँ पर फोटोज आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं इसी Reno6 5G स्मार्टफोन में। और नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आइकन दिख रहा है, आप फेस को ब्यूटी भी कर सकते हैं अपने फेस। आप फोटोज क्लिक करें, अपना फेस खूबसूरत दिखना चाहिए, पिंपल्स वगैरह हैं तो सब कुछ गायब होना चाहिए, ब्यूटी दिखना चाहिए फेस, यहाँ पर कर सकते हैं अपना, वो तो आपको बता दिया। यहाँ पर फोटो मोड में भी आपको फीचर मिल जाता है। यहाँ पर फ्लैश लाइट का आइकन दिखता है, यहाँ पर फिल लाइट करेंगे आप, यहाँ पर फोटो क्लिक करने से पहले ही फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। यहाँ पर आप कर सकते हैं ऑटो, ऑटो करेंगे तो क्या होता है, रात में ही फोटो क्लिक करते वक्त इतना ही ये ऑन हो जाता है फ्लैश लाइट। और यहाँ पर आप ऑन करेंगे तो जब भी आप फोटो क्लिक करते हैं तो फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है, यहाँ पर ऑफ करेंगे तो एनी टाइम ऑफ ही रहेगा। और यहाँ पर नेक्स्ट आप HDR को ऑन कर लेना बेहतरीन शॉट्स के लिए। यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिखता होगा AI, इसको भी ऑन कर सकते हैं, ये ऑफ है भी, अभी इसको यहाँ से इसको ऑन कर लेना। यहाँ पर नेक्स्ट आप देख, यहाँ पर 3 बबल्स आपको दिखते होंगे, यहाँ पर ना आप फिल्टर लगा कर रख सकते हैं अपने फेस को सामने लेकर, इस तरह से फिल्टर चेंज कर लेना, जो फिल्टर अपने फेस को अच्छा लगता है, आपको मैच होता है अच्छा अपने ब्राइटनेस के हिसाब से, जहाँ पर आप खड़े हैं वहाँ की लाइटिंग के हिसाब से कौन सा फिल्टर आपको अच्छा लगता है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करके फोटोज क्लिक कर सकते हैं बेहतरीन शॉट्स के लिए। यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड। ये पोर्ट्रेट मोड क्या होता है ये आपको मैं बता दूँ, सबसे पहले जो पीछे आप बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है ना, आप फोटोज क्लिक कर रहे हैं पीछे बैकग्राउंड ब्लर होना चाहिए, तो इस पोर्ट्रेट मोड में आकर फोटोज क्लिक कर लेना, आप इतना ही अच्छा दिखेंगे, एकदम क्लियर दिखेंगे, पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाएगा, प्रोफेशनल दिखता है अपना फोटो। यहाँ पर आपको एक दिखता होगा एक आइकॉन, आप इस पर क्लिक करेंगे तो पीछे जो बैकग्राउंड ब्लर हो रहा हो कितना होना चाहिए, ज्यादा ब्लर होना चाहिए, बैकग्राउंड तो ज्यादा कर लेना, इसको कम होना चाहिए तो कम कर सकते हैं। यहाँ पर 3 बबल्स पर हम क्लिक करेंगे तो ये क्या होता है फिल्टर है, यहाँ पर जो फिल्टर आपको अच्छा लगता है वो फिल्टर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कमाल का फीचर है, AI कलर पोर्ट्रेट है, मतलब वही आपको बता दिया, AI कलर पोर्ट्रेट क्या होता है आपको बता दिया। आप यहाँ पर सामने खड़े हैं तो आप इतना ही क्लियर देखेंगे जैसा है आप वैसा देखेंगे नेचुरल, और बैकग्राउंड है ना ब्लैक हो जाएगा, इस तरह से ये मोड में आप फोटो क्लिक करके देखना, बहुत ही कमाल का दिखता है। देखने के लिए कैमरा सैंपल उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी फोन का मैं वो कैमरा सैंपल, वीडियो सैंपल, कैमरा रिव्यू किया हूँ, जाकर आप देख लें। ये कैमरा के सेटिंग्स आपको मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में। यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर टाइमर है, टाइमर का क्या काम है वो भी आपको मैं बता दिया। अब यहाँ पर आते हैं मोर में नेक्स्ट, यहाँ पर डुअल व्यू वीडियो है, मतलब यहाँ पर सामने के कैमरे से और पीछे के कैमरे से एक साथ आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इस स्मार्टफोन में। और यहाँ पर मोर में आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट आने के बाद यहाँ पर स्लो मोशन का एक आपको ऑप्शन मिल जाता है इसी स्मार्टफोन में। आपको स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग करना है तो एक्स्ट्रा ऐप लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पर आप जूम करना है, स्लो मोशन करते वक्त आप 3x जूम कर सकते हैं और ज्यादा नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 960 FPS पर आप यहाँ पर स्लो मोशन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं 480 FPS है, और उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं 240 FPS है, 120 FPS, यहाँ पर आप इस तरह से कर सकते हैं। और यहाँ पर 720p पर और 1080p पर आप यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, फ्लैश लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं, ऐसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, और बस आप यहाँ पर करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं बस यहाँ पर। और आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा HD का एक और फीचर मिलता है दोस्तों, यहाँ पर एक्स्ट्रा HD ये फिल्टर इसको ऑन कर लेना, और यहाँ पर एक्स्ट्रा HD के भी आपको यहाँ पर कुछ फिल्टर मिलते हैं, जो फिल्टर आपको अच्छा लगता है इसको ऑन करके यहाँ पर वो भी आप यहाँ पर शॉर्ट्स मतलब क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर मोर पे आते हैं नेक्स्ट, ये माइक्रो मोड है। माइक्रो मोड क्या होता है, मतलब आप यहाँ पर कोई भी फोटो क्लिक कर रहे हैं, एकदम नजदीक लेकर जाकर आप फोटोज क्लिक कर रहे हैं तो पूरा डिटेल में बता देगा दोस्तों, वहाँ पर अंदर क्या क्या है वो सब कुछ इस तरह से बता देगा, मतलब इस तरह से आप यहाँ पर माइक्रो मोड में वो देख सकते हैं।
कोई भी चीज के एकदम सामने लेकर आप देख सकते हो माइक्रो मोड की मदद से। और आप नॉर्मल मोड में यहाँ पर रखकर इस तरह से कोई भी चीज के सामने लेकर आएंगे तो ब्लर दिखेगा वो। माइक्रो मोड में आप आएंगे एकदम सामने लेंगे कोई भी चीज के ऊपर, वो ब्लर नहीं होगा, थोड़ा अंदर क्या है इस तरह से दिखेगा। और यहाँ पर मोड में आते हैं दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट मोड में आने के बाद यहाँ पर और कुछ ज्यादा फीचर आपको यहाँ पर खास नहीं है। और यहाँ पर एक और फीचर है पियानो मोड। ये पियानो मोड क्या होता है, आप बहुत ही बड़ा प्लेस है, आप एक ही फोटो में आप सब कुछ प्लेस को कवर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इसको इस तरह से ऑन करके इस तरह से आप यहाँ पर स्लाइड करके इस तरह से आप सब कुछ प्लेस को यहाँ पर बड़े प्लेस को कवर कर सकते हैं एक ही फोटो में। आप देख सकते हैं ये भी आ गए, ये भी आ गए ना, इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। आपको तो मैं एग्जांपल बता दिया, इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पर अभी आते हैं दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर आपको थ्री डॉट मतलब टू डॉट दिखते होंगे। टू डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का मोड है, ये ऑफ है, इसको ऑन करके आप 64 मेगापिक्सल के मोड से आप यहाँ पर फोटोज क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर सेटिंग दिखता होगा, आप सेटिंग में आएंगे, ये वाटर मार्क है, ये ऑफ रहता है, तो यहाँ से इसको क्या करना है, ऑन करना है। इसको ऑन करेंगे तो क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप जो फोटोज क्लिक कर रहे हैं वो फोटो के कॉर्नर में इस तरह से वाटरमार्क दिखा देगा फोन का, और कौन से डेट पर आपने फोटो क्लिक किया है वो भी बता देगा। आप देख सकते हैं मॉडल डिवाइस मॉडल है और डेट एंड टाइम है, यहाँ पर इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं ऐसे। तो चलिए, बैक आने के बाद यहाँ पर वॉल्यूम बटन दिखता होगा आप, शूटर है वॉल्यूम और शूटर जूम है। यहाँ पर वॉल्यूम करेंगे आप कैमरा ओपन करके आप वॉल्यूम बटन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर वॉल्यूम किया तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, शूटर करेंगे तो क्लिक हो जाएगा फोटो, और यहाँ पर जूम करेंगे तो फोटो जूम होगा, इस तरह से आप कर सकते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, और शूटर साउंड है, इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। जो फोटो आप क्लिक कर रहे हैं उसका साउंड आना चाहिए नहीं फोटो क्लिक करते वक्त, यहाँ से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। नीचे आने के बाद एडवांस सेटिंग पर हम क्लिक करेंगे तो फ्लिप सेल्फी, ये ऑफ है तो मतलब ये ऑन है तो इसको ऑफ ही करना है, क्योंकि आप इस एंगल से फोटो लेंगे तो फ्लिप होकर क्या बता देगा, इस एंगल से लिया बता देगा, वो अच्छा नहीं है, इसको ऑफ ही रहने देना। बाकी सब कुछ इस सेटिंग को इतना ही रहने देना। बैक आना है, बैक आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं शूटिंग मेथड्स है, इसको क्लिक करके यहाँ पर टच टू टेक फोटो आप कर सकते हैं, मतलब आप यहाँ पर कैमरा ओपन करके कहीं भी टच करेंगे तो पहले फोकस होगा उसके बाद में फोटो क्लिक हो जाएगा, इस तरह से आप कर सकते हैं। टू डॉट पर क्लिक करके हम सेटिंग में आएंगे और वापस, और उसके बाद यहाँ पर और नीचे आएंगे दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं शूटिंग मेथड्स में हम क्लिक करके देखेंगे, यूज जेस्चर टू टेक फोटो है, इसको भी ऑन कर लेना तो आप जेस्चर से फोटो क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आते हैं दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट आने के बाद यहाँ पर हम बैक आएंगे भी। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर वीडियो मोड में आना है, वीडियो मोड में आकर आपको आपको अभी क्लिक करना है टू डॉट पर। यहाँ पर देख सकते हैं आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करना तो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं 30 FPS पर, और आप यहाँ पर 1080p में वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं 60 FPS कर सकते हैं हम 1080p में आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। वैसे आपने देख लिया होगा ओप्पो रेनो 6 5G स्मार्टफोन की, ये रहा ओप्पो रेनो 6 5G स्मार्टफोन। इसी स्मार्टफोन के कुछ कैमरा के फीचर्स सेटिंग्स आपने देखा होगा। अगर आपको इसी स्मार्टफोन के टॉप 60+ टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स देखना है तो उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और आपको ये स्मार्टफोन बाय करना है, परचेस करना है तो उस बाय लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करना डायरेक्ट आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे, बाय कर सकते हैं आप। तो चलिए, आपकी वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स में बता देना। तो चलिए आपसे मिलते हैं एक और नए वीडियो में दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है, उम्मीद है आपको पसंद ही आया होगा, मिलते हैं हमसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।